कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलेसिया संत अपोलिनेरियस क्लाउडियस का पर्व मनाती है। वे दूसरी शताब्दी के संत माने जाते थे। वे एक शहीद धर्माध्यक्ष थे। जब कलेसिया पर कई प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, उस समय संत अपोलिनेरियस क्लाउडियस ने अपोलोजिस्ट लिखी, जिसके कारण उन्होंने रूढ़िवादी विचारधाराओं के लोगों पर प्रहार किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने विशेष रूप से सभी ख्रिस्तियों के विश्वास को बचाए रखने का कार्य किया। उनके जीवन से हमें पता चलता है कि उन्होंने प्रभु भक्ति में लीन रहते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। संत अपोलिनेरियस क्लाउडियस के प्रवचनों से लोग बहुत अधिक प्रभावित होते थे, क्योंकि उनके वचनों में स्पष्टता थी। प्रभु प्रेम उनके मुख से झलकता था। उनके चेहरे से प्रभु की ज्योति चमकती थी। उनके कार्यों से उन्होंने ख्रिस्त विश्वास को आगे बढ़ाया और अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित कर दिया। जब कई रूढ़िवादी विचारधाराओं के लोग ख्रिस्तियों पर अत्याचार कर रहे थे, तब संत ने उनका विरोध किया, जिसके कारण लोगों ने उन पर अत्याचार किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम भी हमारा जीवन प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ाएं और प्रभु के कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें।